हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको कोणों के योग व अंतर में से बने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताऊंगा। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण जो है हमारे फॉर्मूले जो होते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम यहाँ बात करते हैं कोणों के अंतर व योग से बने त्रिकोणमितीय फलन। जो त्रिकोणमिति के हमारे जो है फॉर्मूले बनते हैं, ट्रिग्नोमेटिकल जो फंक्शन बनते हैं एड और सबस्ट्रैक्ट करके एंगल को, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, उन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, आप फर्स्ट वाला हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। कॉस, मान लीजिए हमारा फर्स्ट 0 डिग्री एंगल है माइनस दूसरा एंगल एक्स है, अर्थात कॉस माइनस एक्स। इसका जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पर हमारा कॉस एंगल हमारा माइनस है, तो हमारा जो है कॉस माइनस एक्स का हमारा जो है कॉस एक्स ही हो जाता है। अर्थात जब हमारा अंदर एंगल में माइनस आएगा तो हम उसको सीधे हटा देंगे और उसको हम कॉस एक्स ही लिख सकते हैं यहाँ पे, इस ब्रैकेट को हटा के सीधे। तो ये हमारा जो पहला फॉर्मूला है जो दो कोणों के अंतर से बनता है। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला हमारा बनता है, मान लीजिए दो एंगल हमारे एक्स और वाई हैं और एक्स और वाई का सम करके जो हमारा फॉर्मूला बनता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसको याद रखिएगा, कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस वाली फॉर्मूले में हमारा एक चीज होता है, जब हम कॉस एक्स प्लस वाई करते हैं तो एंगलों को ऐड करते हैं, तो हमारा पहले में दोनों कॉस आते हैं और सेकेंड वाले में दोनों साइन आते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जब हम कॉस वाले फॉर्मूले को देखते हैं तो उसमें हमारे एक जगह दोनों कॉस आते हैं और दूसरी जगह दोनों साइन आते हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जब यहाँ पर आपका बीच में प्लस होता है तो आपका माइनस आता है कॉस के केस में। और आप यहाँ पर अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे, जब हम माइनस वाले एंगल के लिए लेते हैं कॉस में ही, थर्ड वाला देखिए, कॉस एक्स माइनस वाई के लिए, इसके लिए हम जब फॉर्मूला देखते हैं तो एकदम आपको एक दोनों में से एक याद होना चाहिए, बिल्कुल कॉपी है, केवल साइन का रिवर्स कर देना है हमें। कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ पे भी वैसे ही करना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना आपको साइन एक्स साइन वाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब आपका यहाँ पर माइनस था तो आपका यहाँ पर प्लस आया, और जब आपका यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आया। तो ये कॉस के केस में होता है, और दोनों कॉस कॉस वाले आएंगे यहाँ पे, और इधर लेफ्ट में दोनों साइन साइन वाले साइन के लेफ्ट में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एक ही फॉर्मूले को आप याद रखने की जरूरत है, और दूसरा वाला खुद ही निकल जाएगा उसकी हेल्प से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो है कॉस में जब हम 90 डिग्री को सबस्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो कॉस के फॉर्मूले में जब हम एक परफेक्ट प्रकार का एंगल ऐड या सबस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिया हमने, तो इसका क्या फर्क पड़ता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स दिख रहा है आपको, आपका एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था एक्स माइनस वाई के लिए, मान लीजिए ये आपका एक्स है ये वाई है, तो ये आपका फॉर्मूला है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट अप करके इसको निकाल सकते हैं। अर्थात इसका जो है एप्लीकेशन ये है आपका, ये आपका इसी का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे कॉस आपको एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखना है और वाई की जगह पर एक्स रखना है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए तो आपको निकल जाएगा कॉस पाई बाई टू और कॉस एक्स, वैसे प्लस साइन पाई बाई टू साइन एक्स। तो हमारा क्या रहा है, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू हमें पता है 0 होती है 90 डिग्री की वैल्यू, तो ये हमारा होल ये 0 हो जाएगा फर्स्ट वाला, और हमें पता है साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 इंटू साइन एक्स आ गया, अर्थात साइन एक्स आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो अब हमें इसको रटने की आवश्यकता नहीं है इनको हमें, क्योंकि रटने से क्या होता है, हमारा जो है मिस्टेक हो जाती है बहुत बार। तो हमें पहले जो है फॉर्मूले को प्रूव करना आना चाहिए, और यदि हमें फॉर्मूले को प्रूव करना आता है तो वहां पर हमारा फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता है, तो इसलिए इसको प्रूव करना भी आना चाहिए हमें, इस तरह से प्रूव होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे इसी का प्लस ऐड करने में क्या फर्क पड़ता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स है, दो एंगल हैं आपके और ये ऐड हो रहे हैं, तो आप इसका फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, सम वाला, दो एंगलों का सम वाला,
तो आपका आ जाएगा ये कॉस पाई बाई टू कॉस एक्स और माइनस साइन पाई बाई टू साइन एक्स। आप देख रहे हैं ये क्वांटिटी हमारी जीरो हो गई पूरी, और माइनस बचा हमारा माइनस वन इंटू साइन एक्स, अर्थात हमारा आ गया साइन एक्स माइनस में। तो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स जब किया आपने, पाई बाई टू को जब ऐड किया यहाँ पर एक्स में, तो यहाँ पर हमारा जो है माइनस साइन एक्स आया और स्पष्ट करने में साइन एक्स आया। तो इस तरह से हमारे जो है दो फॉर्मूले बन गए। अब हम जो है नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर साइन के लिए फॉर्मूले पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए साइन के केस में जब हम दो एंगलों को ऐड करके फॉर्मूला बनाते हैं तो हमारा आता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो आपको इसमें ये ध्यान देना है, आपका प्लस की जगह प्लस ही आएगा, आपका प्लस वाले में प्लस ही आएगा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि साइन एक्स एक साइन आता है एक कॉस आता है, पहला एंगल साइन का फिर दूसरा एंगल कॉस का, और फिर वैसे ही अगले वाले में उनको बदल देना पड़ता है आपस में, पहला एंगल कॉस का दूसरा एंगल साइन का। तो इस तरह से आपको याद रखना है, एक ही याद रखना है और दूसरा वाला आपको खुद ही आ जाएगा जो है, जैसे हमारा जो सबस्ट्रैक्ट करने वाला है अगला वाला साइन एक्स माइनस वाई वाला है, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो हमें केवल चेंज करना है केवल माइनस, बाकी सब वैसे ही आएगा फॉर्मूला हमारा सेम आएगा। देखिए साइन एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो आपने केवल एक ही को याद रखा, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस साइन, और यहाँ प्लस का प्लस माइनस का माइनस। तो इस तरह से आपको याद रखना है, और बाकी आपका दोनों में सेम ही है। अब इन्हीं का यूज करके हम निकालेंगे अगला। ये हमारा द्वारा देखिए दोस्तों साइन ए माइनस बी, अर्थात साइन एक्स माइनस वाई वाला लग रहा है यहाँ पे, तो आप लगा देंगे साइन एक्स की जगह आपका पाई बाई टू है पाई बाई टू, और कॉस वाई की जगह एक्स है माइनस कॉस पाई बाई टू और साइन एक्स। तो ये वाला आपका जीरो हो गया क्योंकि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू आपकी जीरो होती है, तो ये होल आपका पीछे का जीरो हो जाएगा, और यहाँ जाएगा आपका साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन हो गई इंटू कॉस एक्स, तो आपका आ गया ये कॉस एक्स। तो इस तरह से चेंज हो गया आपका साइन जो है चेंज हो गया कॉस में। और अब नेक्स्ट वैसे ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला जो है प्लस के लिए एक बार। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो है दो एंगलों का सम वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, साइन एक्स प्लस वाई एक्स इज आप पाई बाई टू है तो साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, और हमारा प्लस कॉस पाई बाई टू साइन एक्स। तो ये हमारा फिर से जीरो हो गया क्योंकि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो ये हमारा जीरो हो गया, इसका आ जाएगा हमारा वन इंटू कॉस एक्स। तो दोनों केसों में हमारा जो है हम साइन में चाहे पाई बाई टू प्लस एक्स करें या साइन में हम पाई बाई टू माइनस एक्स करें, दोनों केसों में हमें कॉस एक्स ही मिलता है। तो ये हमारा जो है एक विशेष प्रकार का रिलेशन दिख रहा है हमें इनमें। तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये आपका नया रिलेशन आ गया दोनों में, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स और ये दोनों बराबर होते हैं, आपने यहाँ पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग पता किया। तो इस एप्लीकेशन का यूज़ आप क्वेश्चनों में यूज़ कर सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, कॉस पाई माइनस एक्स, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है साइन एक्स होता है, ये हमारा जो है कॉस में जब हम पाई माइनस एक्स करते हैं तो सीधे हमारा ये साइन में चेंज हो जाता है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं एंगल सबस्ट्रैक्शन वाले एंगल से जो है प्रूव कर सकते हैं आप यहाँ पे। और नेक्स्ट वाला हमारा जो है कॉस पाई प्लस एक्स जो है ये भी हमारा चेंज हो जाता है यहाँ पर ऐड करने में माइनस साइन एक्स में, आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो ये खुद ही निकल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि जब प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसके लिए हमारा जो है कॉस ए कॉस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बनता है, तो वहाँ पर माइनस वाला आ जाएगा और यहाँ पर प्लस वाला आ जाएगा। तो आप इस तरह से इनको याद रखेंगे, ये हमारे कॉस से रिलेटेड ऐड वाले हैं। और अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों आप इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे टेन एक्स प्लस वाई, हमने जो है एक फॉर्मूला पढ़ा था
तो हमने टेन थीटा के लिए फॉर्मूला बढ़ाया, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई, और हमें इनका फॉर्मूला पता है, साइन एक्स प्लस वाई का होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और वैसे ही हमारा जो है कॉस एक्स प्लस वाई का होता है कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है कॉस के लिए, साइन एक्स साइन वाई। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें दोस्तों, हम यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई का जो है हर और अंश में जो है डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हम कॉस एक्स कॉस वाई का जो है ऊपर नीचे सभी में जो है भाग दे देंगे, जिससे हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता परिणाम में। तो इस तरह से जो हमारा आता है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं साइन एक्स कॉस वाई और नीचे है कॉस एक्स कॉस वाई, और हमारा बनता है यहाँ पे टेन एक्स और प्लस टेन वाई अपॉन, अब यहाँ पे देखिए सेम है तो सेम डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे वन आ जाएगा वन माइनस साइन एक्स और अपॉन कॉस एक्स का बन गया हमारा टेन एक्स, और साइन वाई अपॉन कॉस वाई का बन गया हमारा टेन वाई। तो ये हमारा इस तरह फॉर्मूला आ गया। तो हमारा फॉर्मूला आ गया टेन एक्स प्लस वाई का इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव होता है। फॉर्मूला हमारा जो है इन्हीं के हैंड से जो है, हमने इन्हीं के हैंड से जो है इस फॉर्मूले को निकाल दिया, और आपको इस तरह प्रूव करना आना चाहिए दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है टेन एक्स माइनस वाई। अब आपको इसको ऊपर वाले की तरह प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अब आपके पास ये आ गया है, इसके एन से आप कर सकते हैं। आपको पता है कि टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा ये होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको टेन एक्स प्लस माइनस वाई, आप इस तरह छुपा देंगे तो ये लिख सकते हैं आप इसको, और इक्वल टू इसके लिए बन जाएगा हमारा फॉर्मूले में रख देंगे टेन एक्स प्लस टेन, अंदर यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन, अंदर आपका यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा टेन एक्स, और आपका टेन माइनस वाई इक्वल टू माइनस टेन टेन वाई होता है, माइनस टेन वाई आ गया आपका अपॉन वन माइनस, यहाँ पे आपका जो टेन माइनस वाई होता है माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो ये आपका जो है फॉर्मूला आ गया इससे, इसी फॉर्मूले से हमने जो है इस फॉर्मूले को निकाल दिया इसका यूज करके। तो ये हमारा जो है टेन एक्स माइनस वाई के लिए आ गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं केवल यहाँ पे कितना अंतर है, ऊपर यहाँ पे हमारा टेन एक्स प्लस वाई वाले में क्या था, ऊपर प्लस था तो यहाँ माइनस है, और यहाँ नीचे माइनस था तो यहाँ पे प्लस है। मतलब आपको केवल चिन्हों को रिवर्स कर देना है दोनों फॉर्मूलों में, जैसे यहाँ हमारा चिन्ह विपरीत हो रहा है प्लस का माइनस हो रहा है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्लस और माइनस आपस में चेंज कर देना है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो इस तरह से आपका जो है टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं कॉट के लिए। अब हम यहाँ पर कॉट एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले को यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि कॉट एक्स प्लस कॉट में और टेन में क्या अंतर होता है, टेन का रिवर्स कॉट होता है हमारा, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा होता है। तो आप जो है इसी का यहाँ पर करेंगे यूज, जैसे हमारा टेन में होता था, एक बार आप टेन को रिवाइज कर लीजिए यहाँ पर, टेन
तो ये आपका फॉर्मूला होता था। तो अब आप यहाँ पर कॉट के लिए जब लिखेंगे, तो अब आप यहाँ पर जब कॉट के लिए लिखेंगे तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आप जो है इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और आप वन अपॉन जब आप कॉट करेंगे तो आपका ये ऊपर चला जाएगा, और आपका जो फ्रिक्शन है ये एलसीएम लेने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बन गया इसके लिए। और वैसे ही आप जो है नेक्स्ट वाला निकालेंगे, कॉट एक्स माइनस वाई के लिए, इसके लिए आप निकालेंगे। इसमें आपको वैसे ही करना है, केवल चिन्ह यहाँ पे रिवर्स हो गए, तो इसके लिए भी यहाँ पे रिवर्स कर देना है, बाकी वही है। कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, तो ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया। इस तरह से आपने जो है एंगल के डिफरेंस करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पढ़े, और जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हमारे जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे जो है फॉर्मूले की आवश्यकता होती है ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री के हमारे कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।